वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ये दिए गए लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। देखो, हमने लास्ट वीडियो में एसपी के लास्ट वीडियो में कवर किया था इस पार्टनरशिप फॉर्म का, और देखा था हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न को। ठीक है, तो ये जो दो चीजें थी ये हमने अच्छे से देख लिया था, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और पार्टनरशिप फॉर्म एक वीडियो में देखा था, और सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये जो है ये इसका सेपरेट वीडियो बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप की। देखो, ये चालू हुआ था देखा जाए तो 2008 में। ठीक है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, तो ध्यान देना लिमिटेड लायबिलिटी होता क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो क्या दिया है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हैज बीन कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स ऑफ बोथ पार्टनरशिप फर्म एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये तो समझ में आ गया होगा कि लिमिटेड लायबिलिटी जो है इसके अंदर दोनों के कॉमन फीचर्स है, जो कि दिया गया है पार्टनरशिप का भी और जॉइंट स्टॉक कंपनी का भी। पार्टनरशिप के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। एज द नेम सजेस्टेड पार्टनर हैव लिमिटेड लायबिलिटी, विच मींस दैट पर्सनल असेट्स ऑफ द पार्टनर आर नॉट अटैच्ड फॉर पेइंग ऑफ द डेब्ट ऑफ एलएलपी, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। तो क्या बोला गया है इस लाइन में कि नॉर्मली जो लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप है ये इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे एक बार लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप में रजिस्टर्ड हुआ तो यहाँ पे जितने पार्टनर से अगर बिजनेस नुकसान में जाता है तो नुकसान में जाने के वजह से इनकी जो लायबिलिटी होगी वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित होगा, यानी कि पर्सनल प्रॉपर्टी इनका अटैच नहीं होगा जो भी नुकसान है उसको भरने में। ठीक है, तो आप लोग समझना कि बिजनेस तक ही होगा, यानी कि जितनी भी भरपाई करनी रहेगी बिजनेस प्रॉपर्टी से ही भरपाई करनी पड़ेगी, उसके अलावा पार्टनरशिप में पार्टनर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी को हाथ तक नहीं लगाया जाएगा, चाहे वो कोई भी पर्सन क्यों ना हो, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो या बैंक ही क्यों ना हो। ठीक है, आगे क्या बोला गया, नाउडे इट हैज बिकम वेरी पॉपुलर ऑफ बिजनेस, ऑल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आर गवर्न बाय द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो समझना कि इस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को चलाने वाला जो एक्ट है वो बनाया गया था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखना, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो बातों को समझना। तो देखो क्या बोला गया है, आगे की हम बात करते हैं, इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं, इस फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। फीचर्स में क्या क्या दिया गया, टोटल 8 पॉइंट्स दिए गए आपके सामने, तो देखो वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। द लायबिलिटी पार्टनरशिप इज सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, दैट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड द पार्टनर्स आर लिमिटेड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। तो क्या बोला गया है कि जो लायबिलिटी है पार्टनरशिप का वो क्या है, सेपरेट लीगल स्टेटस। अब जाहिर सी बात है कि ये जो है रजिस्टर्ड बिजनेस है और रजिस्टर्ड है तो कंपलसरी रजिस्टर्ड है। अब कंपलसरी रजिस्टर्ड है तो इसका जो भी लायबिलिटी है वो क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा, जिसके वजह से सेपरेट लीगल स्टेटस आएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी आएगा। जहां पे इसको बताया गया है कि बिजनेस और बिजनेसमैन क्या है, दोनों अलग है, इसीलिए सेपरेट लीगल स्टेटस कहलाएगा। ठीक है, तो जो भी पार्टनर है उनके जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में, कितने होने चाहिए इस बिजनेस को चालू करने के लिए, एलएलपी के बिजनेस को चालू करने के लिए कम से कम दो पार्टनर चाहिए और मैक्सिमम में अनलिमिटेड, कितना भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। देखो हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 देयर इज नो कंपल्सरी टू हैव टू रजिस्टर अंडर द पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, बट देयर इज द लिमिटेड ऑफ मेंबरशिप, आफ्टर ऑल लिमिटेड ऑफ मेंबरशिप वेयर द बिजनेस स्टार्टेड विद द मिनिमम टू मेंबर्स एंड मैक्सिमम इज गिवन एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 देयर इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन पार्टनरशिप बिजनेस इज 50। नॉर्मली हमने जो देखा था पार्टनरशिप एक्ट, मतलब पार्टनरशिप वाले में तो उसके अंदर यही दिया गया था कम से कम दो रहना चाहिए और मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 50, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वीडियो मतलब इस लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप में जो है नॉर्मली अनलिमिटेड तक दिया गया, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया गया।
आगे की बात करते हैं, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी कि यहाँ पे कितना भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो एज अ कैपिटल, और वो अगर सब पार्टनर चाहेंगे तो वो पार्टनर उस बिजनेस का बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता, बात खत्म। अगला देता है, इट इज सिंपल टू फॉर्म एंड इजी टू ऑपरेट, ये क्या है, इजिली ऑपरेट किया जा सकता है और इजिली बन जाएगा, दो पार्टनर लेकर आओ बन जाएगा, बात खत्म। द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज लिमिटेड टू हिज शेयर्स एज रिटेन इन द एग्रीमेंट, टू हिज शेयर्स का मतलब समझना यहाँ पे क्या दिया गया, अगर कोई पार्टनर है उसने जो भी कैपिटल लाया है, जितना भी कैपिटल है, और समय के साथ उसका जो कैपिटल इंक्रीज होते जा रहा है, तो देखो जब तक ये पार्टनर अपने बिजनेस में जितने भी पैसे को रखेगा और जो भी इसका इंक्रीमेंट हो रहा है, और वो इंक्रीमेंट भी इस कैपिटल में ऐड होकर वही पैसा उस बिजनेस में ही है, घर पे नहीं लेके जा रहा है, तो इसी को बोलेंगे, इसी पैसे को बोलेंगे हम कि जो भी पार्टनर है उसका लिमिटेड शेयर है उस बिजनेस में, जो कि एग्रीमेंट में लिखा गया है कि इतना पैसा है, ठीक है। और जब भी बिजनेस डिसॉल्व होगा, जब भी बिजनेस बंद होगा या नुकसान में जाएगा, तो इसी पैसे को यूज किया जाएगा डिसॉल्यूशन के समय पे और बैड डेट को पे करने के समय पे, ठीक है। तो आप लोग समझना, घर के पैसे को यूज नहीं किया जाएगा, यही कहलाएगा बिजनेस का फंड है, ठीक है, पार्टनर के नाम पे। आगे बात करते हैं क्या दिया गया है, इट इज लो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, देखो एज कंपेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी इट इज कंपेरेटिवली लो कॉस्ट, इसको इजीली हम फॉर्मेट कर सकते हैं। आगे की बात करते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन जॉइनिंग एंड लीविंग एलपीपी एक्सेप्ट एज स्टार्टेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो क्या बोला गया है कि उसके अंदर कोई भी ज्वाइंट हो सकता है, कोई भी छोड़ सकता है, ये इसके ऊपर मतलब ये जो है इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट जो न्यूली ज्वाइंट होगा वो निकल सकता है, लेकिन जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पहले से ही है कि ये लोग रहने चाहिए, कंपलसरी है, तो वो लोग रहने चाहिए उसके अंदर, वो ना निकले। नेक्स्ट है, डबल टैक्सेशन इज अवॉइडेड, यानी कि डबल कोई भी टैक्सेशन होता है उसको अवॉइड किया गया, और देर इज नो टैक्स ऑन शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर ये लोग शेयर करेंगे तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं है, क्लियर। आगे की बात करते हैं, इस कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी भी इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960, ये देखो ये वाला, अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 के तहत इस कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का गठन किया गया था, तो समझना क्या दिया गया है, अ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म टू अचीव सर्टेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, क्या बोला गया, ये जो है एक वॉलंटरी एसोसिएशन, वॉलंटरी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है, वॉलंटरी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, जो कि बहुत सारे पर्संस को मिलकर बनाया गया है और ये सब वॉलंटरी है, ठीक है, और ये नॉर्मल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए बनाया गया है। आगे की देखते आगे क्या बोला है, द नेचर ऑफ कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विस ओरिएंटेड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन सभी में, चाहे हम बात करें सोल ट्रेडिंग कंसर्न की, पार्टनरशिप की, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, एलएलपी की, सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि वो सभी लोग थे जो भी थे वो प्रॉफिट के पीछे भागते थे, बट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी जो है सर्विस के पीछे पहला भागेगा, बाद में प्रॉफिट के पीछे भागेगा, ये एक फर्क वाली चीजें है और इंपॉर्टेंट है। देखना आगे, द रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी, क्या बोला है कि इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कंपलसरी होना चाहिए इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दूसरे की तो बात ही नहीं किया है, अगर वो महाराष्ट्र में कॉर्पोरेटिव सोसाइटी चालू हो रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, विदाउट रजिस्ट्रेशन वो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी गठन नहीं कर सकता। और किसके अंडर में रजिस्टर्ड होगा, अंडर द महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेटिव एक्ट 1960, किसके तहत में होगा, अंडर द महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960, क्लियर। आगे की बात करते हैं, आगे क्या दिया गया है ये फीचर्स के बारे में, तो फीचर्स क्या बोलता है, पहला रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, समझ गए होंगे। दूसरा क्या बोलता है, द मेंबरशिप ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी इज ओपन फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए ये खुला है, यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का धर्म जात बात वगैरह कुछ नहीं देखा जाएगा, ना कास्ट, ना रिलीजियस, ना ही क्रीड वगैरह, कुछ नहीं, सभी के लिए ओपन है, ठीक है। उसके आगे क्या बोलता है, नंबर ऑफ मेंबर, कितने नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए, इस बिजनेस को चालू करने के लिए कम से कम 10 लोग चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं, कितने लोग भी आ सकते हैं इसके अंदर।
आगे क्या बोलता है, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज कॉर्पोरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड, इसके भी जो लाइबिलिटी वो कैसा होगा, लिमिटेड होगा, ठीक है। इसके बारे में आपको अच्छे से पता है लिमिटेड क्या होता है, अनलिमिटेड क्या होता है। आगे क्या बोलता है, इट इज डिफर फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट एम इज नॉट मैक्सिमाइज प्रॉफिट बट टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर। तो पहले मैंने इसको बता दिया कि इसका जो मेन काम होता है वो होता है सर्विस प्रोवाइड करना, ये वाला जो पॉइंट मैंने बताया था, बाद में प्रॉफिट कमाना। बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्रॉफिट कमाना बाद में सर्विस देना, ठीक है। अगला जो सिक्स पॉइंट है वो क्या बोलता है, द ऑर्गेनाइजेशन एंजॉय इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। तो क्या बोला गया है, ये बिजनेस जो है मेंबर इसके अलग है, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी है तो सेपरेट लीगल स्टेटस ही आएगा, तो इसके मेंबर को अलग रखा गया है और इसके जो बिजनेस है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी उसको अलग रखा गया है। तो यहाँ पे लीगल स्टेटस आएगा, यानी कि इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस, लीगल का मतलब होता है कानूनी तौर से, तो कानून इसका जो है यही दिया है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960, महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट, ठीक है। आगे क्या बोलता है, द मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज डेमोक्रेटिक इन नेचर, देयर इज इक्वल इन वोटिंग राइट, दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। क्या बोला गया है कि इनका जो जो भी मैनेजमेंट होता है वो होता है डेमोक्रेटिक बेसिस पे। डेमोक्रेटिक का मतलब एक पर्सन को बीच में उठा देंगे इलेक्शन के लिए और उसके पीछे सारे मेंबर्स क्या करेंगे, इक्वल वोटिंग राइट्स दिया गया, यानी कि अपने रोड वोट वगैरह देंगे। एक पर्सन एक ही वोट दे सकता है और वही पर्सन दे सकता है जो उस कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 का हिस्सेदार है, उसका नाम उसमें रजिस्टर्ड है, उसके अलावा कोई भी नहीं दे सकता। और जो पर्सन को ज्यादा वोट जाएगा वो पर्सन जीतेगा और वही पर्सन वहां पे मैनेजमेंट करेगा, ये बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, लास्ट पॉइंट है, देयर इज कंट्रोल एंड सुपरविजन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द वर्किंग ऑफ कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसको मॉनिटरिंग करने का काम करता है स्टेट गवर्नमेंट। क्यों स्टेट गवर्नमेंट करेगा, क्योंकि सिंपल बात है, यहाँ पे जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट है वो किसके तहत है, महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट ही यहाँ पे करेगा। अब देखो स्टेट गवर्नमेंट इसलिए बोला क्योंकि हर स्टेट का अपना अपना कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट है, तो ये जो भी स्टेट का कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट है अगर उसमें रजिस्टर्ड है तो वहां की गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी जो भी हो रहा है घटनाएं कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के अंदर। तो ये महाराष्ट्र के हिसाब से तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट यहाँ पे कंट्रोल करेगी, क्लियर इतना। तो ये इंपॉर्टेंट था इस जगह पे, ठीक है। अब लास्ट वाला ये जो बताता है, ये नॉर्मली सभी के बारे में बता रहा है, तो ये जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, इसको नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। अब देखो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर, जो कि बहुत ही वास्ट दिया गया है, बहुत ही बड़ा दिया गया और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला ये जो है टॉपिक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।